एक जंगल था। उस जंगल में एक बड़े से पेड़ पर चिड़िया का छोटा सा घोंसला था। उस घोंसले में चिड़िया के अंडे थे। चिड़िया अंडों की रखवाली करती थी और बड़े चैन से रहती थी। लेकिन एक दिन एक बड़ा सा हाथी उस पेड़ के पास आया। वो गर्मी से परेशान था। उस पेड़ की घनी छांव देखकर वो उस पेड़ के नीचे रुक गया। जिस डाल पर चिड़िया का घोंसला था, हाथी ने उस डाल को हिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस डाल को हिलाने से उसे ठंडी हवा मिल रही थी। जैसे वो डाल जोर से हिलने लगी, तो उस पर जो घोंसला था वो भी जोर से हिलने लगा। ये देखकर चिड़िया डर गई और हाथी से बोली, हाथी भैया मत हिलाइए ये डाल, मेरा घोंसला है उस पर, वो गिर जाएगा। उस पर हाथी बोला, वो मैं कुछ नहीं जानता, ये डाल हिलाने से मुझे ठंडी हवा मिल रही है, तो मैं ऐसे ही करूंगा, चलो जाओ यहाँ से। ये कहने के बाद वो डाल जोर जोर से हिलाने लगा। आखिर जो होना था वही हुआ, वो डाल गिर के जमीन पे गिर गई और उसके साथ वो घोंसला भी जमीन पे गिर गया। उस घोंसले में जो अंडे थे वो भी फूट गए। ये देखकर चिड़िया बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। मेरे बच्चे पैदा होने से पहले ही मर गए, मेरा घोंसला। चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर एक कठफुड़वा पंछी वहां पे आया। इस तरह रोकर तुम्हारे अंडे तो वापस नहीं मिलेंगे, इसलिए जो हो चुका है उसके बारे में रोकर कोई फायदा नहीं। अरे तुम्हारा कहना सही है, पर उस दुष्ट हाथी ने मेरे अंडे फोड़ दिए, उसको सबक सिखाना ही चाहिए। तुम अगर मेरे सच्चे दोस्त हो तो उस दुष्ट हाथी को मारने का उपाय मुझे बताओ। उस पर वो कठफुड़वा पंछी बोला, अब देखो मेरा दिमाग कैसे चलता है। एक मक्खी मेरी दोस्त है, मैं उसे बुलाता हूँ, उसकी मदद से हम उस हाथी का वध कर सकते हैं, चलो। उस पर चिड़िया बोली, चलो मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो दोनों उड़ते उड़ते उस मक्खी के पास जा पहुंचे। कठफुड़वे ने मक्खी को सारी बात बताई तो मक्खी बोली, ऐसे हाथी को तो मारना ही चाहिए, एक मेंढक मेरा अच्छा दोस्त है, इस काम में हम उसकी मदद ले ही सकते हैं, चलो। फिर वो सब जा पहुंचे मेंढक के पास। मक्खी ने मेंढक को सारी कहानी बताई तो मेंढक बोला, तो ऐसा है, लगता है वो हाथी घमंडी हो गया है, लेकिन अगर हम सब एक हो गए तो उस हाथी को अच्छा सबक सिखा सकते हैं, है ना? सोच विचार के बाद चारों ने मिलकर हाथी को मारने की योजना बनाई। वो सब मिलके जहां हाथी था वहां जा पहुंचे। खाना खाके हाथी बड़े आराम से बैठा था। फिर मक्खी एक सुंदर गाना गाने लगी। वो गाना गाते गाते वो हाथी के कान के पास पहुंची। उसका ये मधुर गाना सुनके हाथी मंत्रमुग्ध हो गया। आंखें बंद करके वो गाना सुनने लगा। कठफुड़वे को इसी बात का इंतजार था। वो झट से वहां आया। उसने अपनी नुकीली चोंच से
हाथी की आंखें फोड़ डाली। हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे ये क्या हुआ, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या हो गया। वहां से थोड़ी दूर एक बड़ा सा गड्ढा था, उसके किनारे बैठकर मेंढक आवाज करने लगा। चिल्लाने से हाथी का गला सूख गया था। मेंढक की आवाज सुनकर हाथी को लगा कि जरूर आसपास कोई तालाब है और तालाब में पानी तो रहेगा ही, तो पानी पीने के लिए मेंढक की आवाज की तरफ हाथी चल पड़ा और उस बड़े से गड्ढे में वो गिर गया। उसने बहुत कोशिश की उस गड्ढे से बाहर निकलने की, लेकिन वो निकल ही नहीं पाया और इसी तरह भूख प्यास से तड़प तड़प कर उसी गड्ढे में बेचारा हाथी मर गया। इस प्रकार से चिड़िया, कठफुड़वा, मक्खी और मेंढक, इन चार छोटे प्राणियों ने मिलकर उस बड़े से हाथी का वध कर दिया। इसीलिए कहते हैं एकता में शक्ति है।